हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रखा है, आप उसका अगर स्टेटस चेक करना चाहते हो तो फ्रेंड्स घर बैठे आप अपने मोबाइल से किस प्रकार अपने बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस चेक कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पूरी प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से अपने बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, कि आपका बेरोजगारी भत्ते का जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हुई है या रिजेक्ट हुई है, कंप्लीट आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप अपने बेरोजगार पते का स्टेटस कैसे आसानी से चेक कर सकते हो। तो अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर अगर आपको अपने बेरोजगारी पते का स्टेटस चेक करना है, फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिंपल आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई ऐसा पेज नहीं ओपन होता तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखना होगा अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेटस आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक है, आपको सर्च बॉक्स में आपको लिख देना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेटस। ठीक है, अलाउंस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फिर जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली पहले ही मेंशन किया हुआ है बेरोजगारी भत्ता की स्थिति। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जिनसे आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो अपने बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर से और एक आधार नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको जाना होगा अपनी एस एस आई डी में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स आप अपने आधार कार्ड नंबर से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आधार कार्ड नंबर का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है। देन इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको इस ऑप्शन से यहाँ पर ओपन नहीं होता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इस वाले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेटस से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे एक और मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एप्लीकेशन स्टेटस एरिया वाइज। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर आपका 100% यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपके अपने बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शहरी या ग्रामीण में सेलेक्ट करना है, आपका ग्रामीण है अगर आप तो ग्रामीण से आपको एरिया सेलेक्ट करना है, शहरी है तो शहरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा जिला है। ठीक है, जिला सेलेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको अपनी पंचायत समिति को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी पंचायत समिति क्या लगती है वो आप सेलेक्ट करोगे। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत आप जो भी है आप यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट करोगे। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर खोजे पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसका यहाँ पर आपके जो एरिया है आपके गांव है वहाँ का आपको बता देगा किन किन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अधिक जानकारी दिख रही है, बस आपको इस वाले बॉक्स पर टिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपना खुद का यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो मेरे यहाँ पर इस एरिया का यहाँ पर इन 5 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जिन जिन का अप्रूव्ड हुआ है तो उनके सामने अप्रूव्ड का ऑप्शन आ गया। पर फ्रेंड्स इनमें से अभी किसी का भी यहाँ पर अप्रूव्ड नहीं शो हो रहा है। अब फ्रेंड्स मैं अपना खुद का यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने खुद के गांव का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, आपको ग्राम पंचायत में अपने खुद का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में वापस अधिक जानकारी गेट मोर पर क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखते हो मेरा जो नाम है यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा है कंप्लीट, यहाँ पर यह देख सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा अप्रूव भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप अप्रूवल का यहाँ पर स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, अप्रूव है। ठीक है, मेल या कंप्लीट आप यहाँ पर देखते हो किस डेट को आपने यहाँ पर अप्लाई किया है वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब इस पर आप अधिक जानकारी पर क्लिक करते हो तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, किस तारीख को यहाँ पर आपका अप्रूव हुआ है, किस तारीख को आपको यहाँ पर वेरीफाई हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो फ्रेंड्स आप वापस अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के चेक करवा सकते हो कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको चेक करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।